हेलो दोस्तों स्टोरीज विद ईश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूतिया हवेली पार्ट टू तो अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्लीज पहले जाकर उसको सुनिए दोस्तों आपने पार्ट वन में सुना कि कैसे हम चार दोस्त मनाली में होटल ढूंढ रहे थे और हमें रहने के लिए एक हवेली मिली पर वहां रात को एक आठ नौ फीट लंबी औरत ने मेरे एक दोस्त को पटक दिया और हम तीनों को बेहोश कर दिया अब आगे जब हमें होश आया तो हम सब उसी रूम में थे जिसमें रात सोए थे जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे तीनों दोस्तों ने मेरे से पूछा कि तुझको भी रात को वही सपना आया जो हम तीनों को आया था कि एक लंबी सी भूतनी ने हम सबको बेहोश कर दिया तो मैंने कहा हां लेकिन वो सपना नहीं था वो एकदम से चौंक गए और पूछा कि तुझे कैसे पता तब मैंने बताया कि रात को जब हम सब बेहोश हो गए थे तो उसकी थोड़ी ही देर बाद मुझे हल्का हल्का होश आया हालांकि मैं नशे में ही था तभी मेरे दोस्त आशीष ने मुझे बीच में टोका और पूछा कि तुझे होश कैसे आ गया था जबकि हम सब तो बेहोश थे तो मैंने कहा कि इस बात का मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे रोज रात को एक दवाई लेनी होती है शायद उसके असर से ऐसा हुआ फिर दूसरा दोस्त बोला कि जब तुझे होश आया तो तूने कुछ देखा मैंने कहा कि मैं यहां कुछ नहीं बता सकता चलो हवेली के बाहर चलते हैं उस हवेली वाली औरत को बोलकर कि हम घूमने जा रहे हैं हम सब हवेली के बाहर निकल गए फिर मैंने उनको बताया कि जब मुझे होश आया तो हम चारों उसी जमीन पर बेहोश पड़े थे जहां वो बड़े बड़े पुतले रखे थे वहां पर चार पांच आदमी भी थे और बात कर रहे थे कि इन लड़कों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि यहां क्या हो रहा है वो औरत भी वहीं खड़ी थी वो बोली कि कल ये चारों लड़के यहां से डर के भाग जाएंगे और सारी जगह अफवाह फैल जाएगी कि हवेली में सच में भूत है और हमारा काम और आसान हो जाएगा तब मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं तभी वहां एक आदमी आया उसके आते ही उस औरत ने एक पुतले का पेट पर से कवच हटाया और उसके अंदर से कुछ पैकेट निकाले जिसके अंदर व्हाइट व्हाइट कुछ था और उस आदमी को दे दिए बदले में उस आदमी ने एक ब्रीफ केस उस औरत को दिया जब उसने वो ब्रिफकेस खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे थे उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ा नशे में ही था मैं दोबारा बेहोश हो गया मेरे दोस्त बोले कि क्या तो सच बोल रहा है तो मैंने कहा कि अगर यह सपना ही होता तो सबको एक जैसा कैसे आ सकता है जरूर उस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है तो आशीष बोला कि फिर क्या करा जाए हम सब ने यही सोचा कि इनके राज का पर्दाफाश करते हैं मगर सवाल यही था कि कैसे क्या पता इनके पास हथियार भी हों तो हम अकेले क्या कर सकते हैं हमने सोचा कि अगर हम ऐसे किसी को बताने भी लगें तो कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा और कोई यहां आएगा भी नहीं क्योंकि सब यहां आने से डरते हैं तो हमने फैसला किया कि किसी भी तरह अगर हम इसकी वीडियो बना लें तो लोग हमारी बात पर विश्वास करेंगे फिर हम वापस हवेली में गए तो उस औरत ने हमसे पूछा कि तुम लोग कब जाओगे एक दिन का बोला था तुम लोगों ने हमने कहा कि आंटी हम यहां दो तीन दिन के लिए घूमने आए हैं और आसपास कोई होटल भी नहीं है तो क्या हम यहां एक दो दिन और रुक सकते हैं और हमने उसको थोड़े पैसे भी दे दिए और वो मान गई लेकिन इस बात का अफसोस उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था कि इतना सब होने के बाद भी हम डरे नहीं और वहां से भागे नहीं हम सब ने उस रात के लिए प्लान बना लिया था कि वैसे ही सब होगा वो हमें फिर से डराएंगे लेकिन इस बार हम तैयार थे हम सब ने अपनी जेब में मास्क डाल लिए थे और ये सोचा कि जैसे ही वो धुआं छोड़ेगी हम मास्क पहन लेंगे और बेहोश होने का नाटक करेंगे और मौका मिलते ही हम में से कोई एक वीडियो बना लेगा लेकिन किसे पता था कि सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है हम सब रात भर जग रहे थे उस टाइम मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के दो बज रहे थे तभी अचानक बाहर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई वो मदद के लिए पुकार रही थी कि बचा लो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे ये सब सुनकर हम हड़बड़ा गए बिना कुछ सोचे समझे हम उस लड़की को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागे लेकिन बाहर निकलते ही एकदम से सन्नाटा सा छा गया हम सबने सोचा कि नीचे जाकर देखते हैं कि कौन चिल्ला रहा था हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी एक औरत की पायल के छनकने की आवाज आने लगी कि जैसे कोई औरत भी वहां चल रही हो मैंने पूछा कौन है पर कोई नहीं बोला हम थोड़ा और नीचे गए और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा एक खतरनाक काला साया और मैं बहुत जोर से चिल्लाया और मेरे सभी दोस्त भी उसे देखकर दंग रह गए तभी हम सबके पीछे गर्दन में एक सुई जैसा कुछ चुबा और हम सब बेहोश होकर वहीं गिर गए अब इसके बाद क्या हुआ क्या इस बार वो हवेली की मालकिन हमको मार डालेगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा भूतिया हवेली पार्ट थ्री तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट भी बताएं तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद